Hello dear student, today I'm discuss about the topic of आयुष एक ऐसा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है जिसको 1983 में इंक्लूड किया गया इंडियन मेडिसिन में, और इसमें मोस्टली हमने जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर नो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट उस ट्रीटमेंट का नहीं होता, पर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। ओके तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म देखेंगे, आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या होता है? होम्योपैथी होता है एक्सट्रैक्ट, नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट लेना, वास्प लेना और उसके थ्रू मेडिसिन तैयार करना। सिद्धा में जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है, यूनानी में ऑयल्स और मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, योगा में आपको पता ही है फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, इसमें छोटा सा टॉपिक है, 90% ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन सर्विसेज द रूरल एरियाज, इसको यूज़ किया जाता है 90% यूज़ किया जाता है इसको रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे CSC में हम इसका ऑफिस देख सकते हैं, आयुष का CSC में ऑफिस इसका मिल जाता है, जहाँ पे आयुष से रिलेटेड मेडिसिन मिल जाती है और केयर भी प्रोवाइड कराई जाती है। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो नेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया था वो था आयुर्वेदिका, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा इन जयपुर। सेकेंड है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ होम्योपैथी इन कोलकाता, सबसे पहले दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे इंडिया में। एक इसमें हम टॉपिक देख लेते हैं, क्वैक्स, वैसे तो किसी काम का नहीं हमारे, फिर भी क्वैक्स वो होते हैं जो अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं पॉपुलेशन को, जिसको हम कह सकते हैं जो प्रैक्टिशनर होते हैं बस, बिना डिप्लोमा, बिना किसी डिग्री के।